बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे गेम को इस वक्त 135 दिन हो चुके हैं। आज हमारे तदम्मर का तीसरा दिन है और इस वक्त हमारे जो तीन साथी तदम्मर में मौजूद थे, लेटे हुए थे, जिसमें डॉक्टर नूर अहमद साहब हैं, डॉक्टर जफर साहब हैं, डॉक्टर अतान असर साहब हैं, इनमें से दो की हालत इंतहाई ज़्यादा ख़राब हो गई है और उनको हमने अस्पताल शिफ्ट कर दिया है। डॉक्टरों के बकौल कि उनकी हालत इंतहाई ज़्यादा ख़राब है, अगर उनकी तदम्मर भूख हड़ताल ख़त्म नहीं की गई, उनको कुछ खिलाया पिलाया नहीं किया गया, तो उनकी जान खतरे में है, इंतहाई ज़्यादा, उनको कुछ भी हो सकता है। हमारे जो दोस्त हैं डॉक्टर अहमद नासर, उनकी किडनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। हुकूमत की तरफ से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अब 48 घंटे गुजर चुके हैं, तीसरा दिन है हमारा, इस बात को हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात हमारे साथ नहीं किए गए हैं, तो हम ये अपील करते हैं कि हमारे जल्द मुतालबा जो 600 असामियों के लिए हैं मंजूर किए जाएँ, ताकि हम तदम्मर भूख हड़ताली कैंप को ख़त्म कर सकें। अगर हमारे इस दौरान किसी भी साथी को कोई नुकसान हुआ तो उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होगी। तो अच्छा, आपके पास कोई हुकूमत वक्त के नुमाइंदा नहीं आया अभी तक? हमारे पास हुकूमत अरकान की तरफ से कोई भी नहीं आया है। हाँ, कल हमारे पास सना बलोच साहब आए थे, नसरुल्ला ज़ेरी साहब आए थे और फजल आगा साहब आए थे, इन्होंने हमसे इजहार यकजहती की थी और इस हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई हमारे मुज़ाकरात के लिए नहीं आया।